शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बुआ जी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। कीर्ति की 48 घंटे की चुनौती में अब सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कीर्ति क्या करेगी, हम अभय को कैसे बचाएंगे? श्रद्धा, वो भी तो अड़के बैठ गई है। कीर्ति रानी बनी जिद्दी रानी, उसकी भी जिद है कि अभय ही मुजरिम है, उसी ने सब कुछ किया है। और सच कहे तो तुम्हारी बहन को समझाना मतलब अपने सर को दीवार पे मारने के बराबर है। कोई नहीं समझा सकता उसे। चलो अंदर चलते। पंडित जी, जी पंडित जी यहाँ पर क्यों आए हैं? भाभी, पंडित जी। अरे हमने ही बुलाया है। पंडित जी अभय और रोशनी की शादी की तारीख पक्की करने आए हैं। हाँ इन दोनों की कुंडली देखने के बाद आज से 1 महीने के बाद की तारीख बहुत ही शुभ है विवाह के लिए। अरे वाह पंडित जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलिए फिर हमें आज्ञा दीजिए, हमें पूजा कराने जाना है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो तुम दोनों, तुम भी। समय इतना कम है और बहुत सारा काम है, हम अभी आते हैं। हाँ भाभी, यहाँ कीर्ति की नौकरी दांव पर लगी है, वो आपकी बेटी की बैंड बजवाने पे तुली है और आप है कि उसी बेटे के नाम की शहनाइयाँ बजवाने की तैयारी कर रही है। अरे ऋतु, आप क्या कह रही हैं? हमारे बेटे ने क्या किया है तो बता, मतलब रात गई तो आप बात भी बोल गई। कीर्ति अभय को किसी भी कीमत पर जेल पहुंचाने पे तुली है। ऋतु, हमारे बेटे ने जब कुछ किया ही नहीं है तो वो डरे का है। और वैसे भी इन चक्रों में ना हमारे लिए सिर्फ एक बात मायने रखती है, हमारे बेटे की खुशी। भाभी हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि घर का माहौल थोड़ा ठंडा होने देते, उसके बाद हम इस पे बातचीत करेंगे ना। बातचीत करने को रह क्या गया है ऋतु, अभय रोशनी से प्यार करता है, वो उसके साथ खुश है। वैसे भी कीर्ति को कोई सबूत नहीं मिला है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। अब हम क्या करेंगे, 40 घंटे पूरे होने वाले हैं। कीर्ति तुम शांत हो जाओ, इसे घबरा के तुम्हें सबूत तो नहीं मिल जाएंगे। उस दिन आपने तहश में आके बोल तो दिया कि अगर चोर नहीं मिला तो आप नौकरी छोड़ देंगी, लेकिन ऐसे कोई नौकरी छोड़ता थोड़ी है, आप चिंता मत कीजिए। कीर्ति, आप क्या हमें इस्तीफा देते हुए देखना चाहती हैं? इसीलिए आई है ना यहाँ? कैसी बातें कर रही है तू कीर्ति, बहन है तू मेरी। जब तू UPSC का एग्जाम पास करके आई थी ना, सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई थी। मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा अगर तू अपनी नौकरी छोड़ दे। मगर कीर्ति अभय गुनहगार नहीं है, मैं तेरे सामने असली गुनहगार का चेहरा भी लेकर आई थी, लेकिन तू उससे पूछताछ तक नहीं करना चाहती। मैं कह रही हूँ तुझे, कुणाल ही असली गुनहगार है, वो सजा के लायक है। 48 घंटे पूरे होने में अभी भी 10 मिनट बाकी है, सोच समझ के फैसला ले। SP कीर्ति त्रिपाठी, बताइए। SP कीर्ति त्रिपाठी, 48 घंटे पूरे होने में सिर्फ
5 मिनट बचे हैं, कहाँ है आपका चोर? चोर नहीं तो कम से कम अपना इस्तीफा ही दिखा दो। मैम, कीर्ति त्रिपाठी जैसी होनहार अफसर जो पूरे शहर की सुरक्षा के लिए, आप सबकी सुरक्षा के लिए दिन रात लगी रहती है, यहाँ तक कि अपनी जान तक को दाव पर लगाने के लिए तैयार रहती है, उसे आप इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रही हैं। और आप सब ये जानते हैं कि एएसपी कीर्ति त्रिपाठी पर एक जानलेवा हमला हुआ है। आपको हमारी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है श्रद्धा त्रिपाठी, हमने फैसला कर लिया है। तो क्या फैसला ले लिया आपने ऑफिसर कीर्ति त्रिपाठी? जैसा कि हमने वादा किया था कि पिछले 48 घंटे में अगर हम चोर को नहीं पकड़ पाए तो हम अपना काम छोड़ देंगे, इसीलिए हम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। हमें एक जिम्मेदारी दी गई थी जिसे हम पूरा नहीं कर पाए। हमने वादा किया था कि बब्बर शेर गैंग को हम पकड़ लेंगे। हम नाकाम अब रहे, हम कानपुर वासी के गुनहगार हैं और इसीलिए आज इसी वक्त हम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। अब कानपुर की और कानपुर वासियों की सुरक्षा हमारे हाथ में नहीं है। उम्मीद है कि मैम आपको खुशी मिली होगी। आप सब अब जा सकते हैं। नमस्कार। ये थी मैडम चौकस के नाम से प्रसिद्ध एएसपी कृति त्रिपाठी। जब इनके 48 घंटों में बब्बर शेर गैंग को पकड़ पाने के दावों की हवा निकल गई तो आज इन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उस गैंग का क्या? क्या उसका आतंक कानपुर पर जारी रहेगा? और कीर्ति त्रिपाठी की नाकामयाबी का क्या? पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नाकामयाब वो होते हैं जो अपने काम को बीच में छोड़ देते हैं, और एएसपी कीर्ति त्रिपाठी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हालात हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने, कीर्ति त्रिपाठी ने अपने इस काम को पूरा करने में अपनी जान की बाजी नहीं लगाई। आप सबको अपना जवाब मिल गया, प्लीज आप जा सकते हैं। कीर्ति, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। तेरे इस मेहनत को, तेरे काम के प्रति लगन को मैं कभी बर्बाद जाने नहीं दूंगी। अरे भगवान के लिए बस करिए, बस करिए अपनी इस महानता का नाटक। दीदू हर चीज में ना, हम कर लेंगे, हम देख लेंगे, हम संभाल देंगे, नहीं होता। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो आप नहीं कर सकती, तो हमें ना हमारा देखने दीजिए प्लीज। कीर्ति मैं जानती हूँ तो इस वक्त बहुत परेशान है, लेकिन क्या तू तू अपने दीदू पर भरोसा भी नहीं रखेगी? तू देखना कीर्ति, असली गुनहगार बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, बस हमें एक सबूत चाहिए। हमें? आपको सबूत क्यों चाहिए? आप पुलिस में भर्ती हो रही हैं? नहीं ना, अगर नहीं हो रही है तो फिर हमारा काम खराब क्यों किया? हमें पता है गुनहगार कौन है, पर आपको वो पसंद नहीं आया इसीलिए आपने उसे बचा लिया। दीदू गुनहगार ना अभय है। एक मिनट, एक तो खुद की ड्यूटी तुम ठीक से कर नहीं पा रही हो, उसके ऊपर से हमारे बेटे पे दनादन तुम इल्जाम लगाए जा रही हो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सर? अनुजा जी, ये वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है। हाँ पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस एक बार हमें सबूत मिल जाए ना फिर तो देखते।
अभी तो हमें आपकी शक्ल देखकर गुस्सा आ रहा है। सिर्फ ये याद आएगा कि कैसे आपने हमारा बना बनाया पूरा केस बर्बाद कर दिया। श्रद्धा, भगवान के लिए कभी तो कीर्ति को अपने फैसले खुद लेने दो। ऐसा तो नहीं है कि जब तक तुम खुश होके उसे आशीर्वाद नहीं दे देते तब तक वो अपने मन की कुछ कर ही नहीं सकती। उसने अपना फैसला ले लिया, अब तुम उसे बदलने की कोशिश मत करो। हमारी कोशिश कामयाब रही। कीर्ति त्रिपाठी ने इस्तीफे की घोषणा कर ही दी। हो गया, एक ही तीर से दोनों बहनों का शिकार। क्या बात, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए? कुणाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे ना कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे सच बताओगे? तुम्हारे हाथ पर ये जो निशान है खरोच के, क्या वो श्रद्धा भाभी के है? पत्नी का काम होता है चुपचाप अपनी आंख कान दिमाग बंद करके पति की हर बात मानना, ना कि पति से उल्टे सवाल करना। फिर कभी अगर तुमने मुझसे ऐसे उल्टे सवाल किए ना तो आरती, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुणाल ने कुछ किया? आप क्यों कुणाल के पीछे पड़ी है भाभी? कुणाल ने कुछ नहीं किया है। कुणाल मेरे पति हैं, प्यार करती हूँ मैं उनसे। आप प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। आरती, कभी कभी गलत का साथ देना गलत करने वाले से ज्यादा गलत होता है, और उससे भी ज्यादा गलत होता है गलत सहना। आरती, एक बार पहले भी तुमने ये गलती की थी कुणाल पर विश्वास करके। अपने दिल से पूछो आरती, तुम्हें नहीं महसूस हो रहा कि तुम वही गलती फिर से कर रही हो? नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आपको कोई गलत फहमी हुई है। आरती, एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक माँ होने से पहले हम एक औरत हैं, इंसान हैं, और हमारा भी एक अस्तित्व है। और इस अस्तित्व को, इस वजूद को कभी भी रिश्तों के बोझ तले दबने मत देना। रिश्तों का फर्ज निभाने से ज्यादा हमें हमारा आत्मसम्मान जिंदा रखता है। कभी भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि कोई तुम्हारे इस आत्मसम्मान को, इस वजूद को चोट पहुंचा रहा है, तो याद रखना आरती, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं। कीर्ति, तुम सुबह सुबह से तैयार होके? वरुण जी, हमें पुलिस हेडक्वार्टर जाना है, अपनी सर्विस रिवॉल्वर वहाँ वापस करनी है, और कुछ कागजी फॉर्मेलिटीज हैं वो सब करनी है। मैं समझ सकता हूँ। कीर्ति, आज मुझे तुम पे गर्व है कि तुमने बहुत ही अच्छा और सही फैसला लिया। देखो, एक लड़की के लिए पुलिस की नौकरी करना और साथ में घर संभालना, दोनों पे बराबर ध्यान देना नामुमकिन जैसा है। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी हुआ
वो ठीक ही हो। अब देखो ना, तुम अपनी पुलिस की नौकरी में इतनी बिजी हो गई थी कि घर पे ध्यान ही नहीं दे पा रही। मम्मी की भी उम्र हो गई और उनकी तबीयत भी इतनी खराब रहती। मम्मी को अब तुम्हारी ज्यादा जरूरत है और मुझे भी कीर्ति। और हमारी जरूरत का क्या वरुण जी? अभी हमारी जरूरत थी कि आप हमें समझें, हमारी नाकामी को ना गिनवा के हमारी कोशिशों को गिनवाएं। आपने भी नौकरी में बहुत ठोकरी खाई है ना, तो फिर कम से कम हमें लगा था आप तो समझेंगे। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं समझ सकता हूँ। तो क्या मतलब था आपका? मन ही मन आप बहुत खुश हो रहे होंगे ना वरुण जी, कि आपने अपनी बीवी को घर पे बैठा दी। यही चाहते थे ना वरुण जी? आपको याद है, आप और दीदू ही थे जिन्होंने हमारे पुलिस की नौकरी के लिए हमें बढ़ावा दिया था। शायद तभी आपको दीदू से प्रेरणा मिल रही होगी। और अफसोस, आपकी सोच बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम क्या पुरानी बातें लेके बैठ गई हो? मेरे लिए तुम आज भी वही मेरी स्वीटू, अरे जिसको मैंने इतनी खुली छूट दे रखी थी, कितना खुश रहती थी। चलो अब तुम जल्दी से जाओ, अपना काम खत्म करके आओ, फिर ना हम कहीं घूमने के लिए चलेंगे। अब तुम ये कॉफी पियो, मैं बस अभी आया। आज तक आपसे क्या किसी से भी पूछ के कोई फैसला नहीं लिया है। हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं। श्रद्धा, आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं कुछ भी कहूं तुम सुधरोगी नहीं ना? क्या कहना चाहती हो तुम रोशनी? साफ साफ कहो ना। बनो मत श्रद्धा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस घर में वापस लौटने के इरादे मुझे समझ नहीं आएंगे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जानबूझकर मेरे खाने में नींद की दवाई मिलाई ना, जिससे तुम्हें अभय के करीब आने के मौके मिल जाए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है रोशनी। श्रद्धा, शायद तुम भूल रही हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ। नींद और बेहोशी में मुझे फर्क समझ आता है। और तुम तो बड़ा कहती थी कि तुम्हें सिर्फ अभय की खुशी चाहिए। भूल गई क्या कि अभय की खुशी सिर्फ मेरे साथ है? तो यहाँ नाटक क्यों कर रही हो? हाँ, बकवास बंद करो अपनी रोशनी। और नाटक कौन कर रहा है उसका हिसाब अगर मैं यहाँ पर देने लग गई ना, तो इस घर से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। समझी तुम? रोशनी, अरे तुम अचानक से कैसे गिर गई? अबे बहुत दर्द हो रहा है। चलो उठो। अबे बिल्कुल नहीं उठा जा रहा है। मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। अरे अरे हे भगवान, रोशनी क्या हो गया तुम्हें? और अरे तुम ऐसे चिल्लाई, तुम्हें पता है खिड़की पे जितनी चिड़िया थी सब उड़ गई। भगवान जी, वो श्रद्धा ने मुझे लग रहा है मोच आ गई। ओ, मोच आ गई? ये तो बहुत ही गलत हुआ। कोई बात नहीं, हम है ना, हम तुम्हारा ऐसा इलाज करेंगे कि फुदकते हुए घर से बाहर भाग जाओगी। मतलब था कि हम है ना, हम तुम्हारी चोट पे मरहम लगा देंगे। चलो हमारे साथ कब आओ, आराम से उठो उठो उठो। अबे रोशनी बेटा, ध्यान से
कहीं बाएं पैर की चोट दाएं पैर में ना चली जाए। चलो तुम भी बेचारी की जान के पीछे पड़ी रहती हो ना। क्या किया मैंने? मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर इसे धक्का मारा है। मुझे ये सब करने का कोई शौक नहीं और ऐसी हरकतें करने का मेरे पास टाइम भी नहीं है। कितनी बेशर्म हो तुम यार। बेचारी रोशनी दर्द में है तो तुम उसका मजाक बना रही हो ये दर्द का नाटक करके। वाजी बिना पता नहीं तुम्हारी फैन बनी फिरती है। अपना भूला चेहरा दिखा के ना पूरे परिवार को फंसा के रखा है तुमने। दिमाग बहुत तेज है तुम्हें। षड्यंत्र रचती हो ना तुम। क्यों मदद कर रहे हैं आप मेरी? अब नहीं लग रहा आपको कि इसमें भी मैं कोई षड्यंत्र रच रही हूँ? मुझे आपकी मदद चाहिए ही नहीं। थोड़ी अपना हाथ हटाइए। लड़की ने फंसाया उन्हें। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है लेकिन अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये लड़की शेरा भाई के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो जाएगी। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसे रास्ते से हटा दो। मार डालो इसे। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।